इतिहास में पहली बार सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल की टीम को हराकर ये विजय प्राप्त किया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर मेजबान टीम ने पहली पारी में 425 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बंगाल की पहली पारी 381 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर सौराष्ट्र को 44 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद सौराष्ट्र ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 105 रन बनाए थे। तब दोनों टीमें मैच समाप्त करने के लिए तैयार हो गई थी। खेल के आखिरी दिन बंगाल की टीम ने 6 विकेट पर 354 रनों से आगे खेलने की शुरुआत की, लेकिन बंगाल की टीम 161 रनों पर ही सिमट के रह गई। घरेलू क्रिकेट के नियमों के मुताबिक अगर मैच का नतीजा नहीं निकलता है तो पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। बंगाल की ओर से सुदीप चैटर्जी ने सर्वाधिक 81 रन बनाए। अर्णव नंदी ने 40 रनों की नाबाद पारी खेलकर उम्मीद जगाए रखी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला। सौराष्ट्र के लिए धर्मेंद्र सिंह जाडेजा ने 3, जबकि जयदेव उनादकट और प्रेरक माकड़ ने 2-2 सफलताएं हासिल की। सौराष्ट्र की टीम ने पहली पारी में 425 रन बनाए, जिसमें उसके बल्लेबाजों की अहम भूमिका रही। अर्पित वासावाड़ा ने 106 रनों की शतकीय पारी खेली, तो वहीं टीम इंडिया के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जरूरी 66 रन बनाए। इसके अलावा अभी बारोत और विश्वराज जाडेजा ने भी अर्धशतक लगाए। आई थिंक आखा सौराष्ट्र माटे बहुत खुशी की बात है कि फाइनली यू नो जे अपना जाम रणजीत सिंह जी पाछड़ आ ट्रॉफी नु नाम पड़ेलू छे, तो आ ट्रॉफी एक वार सौराष्ट्र जीतवी जो है। खूब ज खुशी नो दिवस है आखा सौराष्ट्र माटे। घणा वर्षो थी सौराष्ट्रनी टीम माटे जेटला पण क्रिकेटर्स रमेला छे, અત્યારની છેલ્લી 5 કે 10 વર્ષ નહીં, પણ તમે આજે જે ઓળખતા હશે એમને જોયું હશે કે સૌરાષ્ટ્રના પાસ્ટના ઘણા બધા ક્રિકેટર્સ રિટાયર્ડ ક્રિકેટર્સ જે છે એ પણ આજે હાજર હતા, તો એમની માટે પણ આ એક ખુશીનો માહોલ છે। અને સાથે સાથે જો યંગ જનરેશનની વાત કરીએ તો આ વિક્ટરી પછી એ લોકોને ઘણી જ પ્રેરણા મળી હશે આમાંથી, અને સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે થઈને આઈ થિંક ટીમ તો જ સારું કરી શકે જો કે જો એની પાસે રિઝર્વ પ્લેયર્સ સારા હોય। તો એક સિઝન સારું કર્યું છે સૌરાષ્ટ્રએ, પણ હજી આગળ સૌરાષ્ટ્રનું ક્રિકેટ લઈ જવા માટે આઈ થિંક જે બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ છે એ ઘણી ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે, અને એની માટે જે યંગ ક્રિકેટર્સ છે જે જુનિયર લેવલ પર રમે છે અંડર 16, અંડર 19 અને અંડર 23 લેવલ પર, એ ક્રિકેટર્સ હજી સારું ક્રિકેટ રમશે તો સૌરાષ્ટ્રને રણજી ટ્રોફી માટે સારા પ્લેયર્સ મળશે। સૌરાષ્ટ્રને મોજુદા રણજી સત્ર મેં શાનદાર ખેલ દિખાયા, જિસકી વજહ સે ઘરેલુ ક્રિકેટ મેં ઉસને અબ તક કી સબસે બડી કામયાબી हासिल की। सौराष्ट्र सन 1950 से रणजी ट्रॉफी में हिस्सा ले रहा है, लेकिन अब तक ये खिताब उसके नाम नहीं हुआ था। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना ब्रेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रुजवल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।